बस्मिन नामक मौसम बदल रहा है मैं इसी गीले होती है इसे खाना मुश्किल हो जाता है इसके बारे में हैक बताऊंगी और घर में अक्सर मकनातीस वगैरह पड़े जाते हैं बच्चों के खेलने के टॉयस वग़ैरह में इसकी मैं आपको हैक्स बताऊंगी और इसके अलावा बहुत सी ब्यूटी टिप्स है कि आप अपने हाथ पाँव के चेहरे की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको ब्यूटी टिप्स बताऊँगी जिससे आप ख़ूबसूरत नज़र आ सकते हैं प्यारे लग सकते हैं और लोगों के अंदर एक ख़ुद में एतमादी पैदा हो जाती है जब हम अच्छे नज़र आ रहे होते हैं तो चलिए थी हम अपनी टिप एंड टिक्स की तरफ बढ़ते हैं और आपको आ, करते हैं थोड़ा सा गाइड फर्स्ट टिप क्या है जी मेरे घर से ये मकनातीस वगैरह निकल रहे हैं तो इनको मैं क्या कर सकती हूँ इनको भी एक हैक है कि आप ओवन में फ्रिज जिनकी मेटल की हो उसमें लगा सकते हैं तो लगाने के लिए हम इसी चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं किस तरह से के जी जैसे कि इस महीने का बिल आया हुआ है वो अक्सर गुम हो जाता है इधर उधर रखने से तो आप इसको फ्रिज के साथ लगाए और ऊपर से मकना लगा दें तो आपकी नज़रों के सामने रहेगा और आखिर त्रेश भी याद रहेगी तो इसी तरह ये ओवन के साइड पे भी जगह होती है इसको भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं फ्रिज की साइड पे जगह हो सकती है इसको भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं तो ये बाज़ार में आम मिल जाते हैं इस तरह के हम इसमें अपनी इस छुटियाँ चाकू कोई नाइफ़ कांटे वगैरह रख सकते हैं तो ये हमारी स्पेस काफ़ी हद तक बच सकती है अब चलते हैं सेकंड टिप की तरफ सेकंड टिप क्या है जी अक्सर लोगों की नज़र कमज़ोर होती है उनको ये बारीक बारी फ़िफ़ालत नज़र नहीं आते कहीं क्या चाहिए कि हम मोबाइल में दें और उसे जूम करके ना इसे इन अलफाज को बड़ा कर सकते हैं और आपकी जो नज़र का मसला है ना वो भी हल हो जाएगा और आपको लिखा हुआ भी नज़र आएंगे समाइम क्या होता है कि कार्ड में जैसे कि हम सिम कार्ड वगैरह लेके आते हैं उसमें भी नंबर नज़र नहीं आ रहे थे तो उसके लिए भी सेम मेथड हो सकता है अब वो आगे मौसम आ रहा है तो अक्सर मैथिस वगैरह गिरनी हो जाती है और उसका सूखना दहाई मुश्किल हो जाता है और सेम टाइम होती भी नहीं है फिर लाने का मसला होता है तो या फिर दूसरी निकालो तो पहली बार को हम ज़ायरिया नहीं करना तो उसका क्या हलना है आसान सा हलना है कि उसको अगर गीली हो गई गी है तो उसको तरीके को गर्म करें तरीके को गर्म करने के बाद इसको हल्की हल्की हाथ से ना हीट अप करें और हीट अप करने के बाद ये दोबारा से ड्राई हो जाएगी और ये यूज़ेबल हो जाएगी और आपका मसला हल हो जाएगा खुश्को ड्राई अक्सर ऐसा भी होता है कि हम जब स्टोव के पास काम कर रहे थे स्टोव के नीचे भी रख सकते हैं इसे माचिस को तो उसकी भी हीट से ना तो ये अक्सर अकात है इसमें सीलन इसमें जो है ना मोइस्चराइजर नहीं होता पैदा तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी बाकी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो आप उसके लिए तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस अक्सर हमारे घरों में सब्ज़ी के साथ पुदीना तो आ जाता है पुदीने तो को जब हम बीन देते तो दे हैं तो उसकी डंडियाँ फेंक देते हैं तो डंडियाँ बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए इसमें जो है ना एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है वो ये कि जब हम इन डंडियों को धो लें अच्छी तरह इनको साफ़ कर लें और एक दो पानी से निकाल दें तो आप इसका उबला हुआ पानी इसको पानी में उबाल के ना सुबह सुबह नहार मोह पीएँ तो आपका कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये आपके हाजमिक और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है और कारामंद है और जिनके मुंह से स्मेल आती है ना वो पुदीने के चन पत्ते चबा लें तो उनके मुंह से स्मेल नहीं आएगी और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ मैंने यहाँ पर एक खाली प्याले दी है और उसमें ना तीन चार नींबू का अरग तकरीबन वह दो चम्मच जो है ना वो लीम का अलग बन गया इसके जो बीज वगैरह है वो आप इसको रिमूव कर देंगे आप यहाँ पर लीमू के छिलके भी यूज़ कर सकते हैं नीमू अगर इस्तेमाल कर लिया इसके छिलके मौजूद हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको ग्राइंड करना है फिर यहाँ पर लिया है एलोवेरा का जेल अगर आपके पास असली वाला यानी कि जैनविन वाला पत्तों वाला फ्रेश एलोवेरा जेल मौजूद है तो वो भी ले सकते हैं मैं लेकिन मैंने यहाँ पर बाज़ार का जेल लिया है वो दो चम्मच लिया है और इसके बाद आपने इसको मिक्स कर देना अच्छे तरीके से और इसी के बाद आप घर में जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं कोई सा भी शैम्पू यूज़ करते हैं नहीं मेरे पास इस टाइम यही था तो मैंने ये वाला मिक्स कर लिया तो उसमें दो चम्मच आपने शैम्पू के ऐड करनी है और इसके बाद जो हम चीज़ ऐड करने जा रहे हैं वो है बेसन बेसन के भी दो चम्मच ऐड करने हैं इसके बाद ये गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाएगा मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुल्तानी मिट्टी तैयार हो गई है लेकिन वो क्योंकि ब्लैक था ना है ऐसा हो गया तो अब देखिए मैंने बीस मिनट लगाया और ये मेरा इतना इंस्टेंट रिज़ल्ट आया है ना कि देखिए मेरा हाथ इतने ग्लो कर रहे हैं नीट क्लीन लग रहे हैं तो आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा आपको भी इंस्टेंट जो है ना वाज़ फ़र्क महसूस होगा और ये मैंने अपने ऊपर खुद आज़माया है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है फ़ौरन से स्किन पर असर करता है जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कल सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे और जो लोग पुराने हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स कि वो मेरे साथ रहते हैं और मेरे हर वीडियो को लाइक और शेयर भी करते हैं तो अल्लाह ताला आपको सदा सदाबाद रखे खुश रखिए आपके हर काम में आसानी पैदा करें अपना भरोसा रखिए ख्याल फिर मिलते हैं अल्लाह हाफ